नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस रेट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग आपको किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है, आज ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, उसमें आपको किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना था और आगे टीडीएस डिडक्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जो कि हमारा होता है असेसमेंट ईयर 2020-21, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर होता है 2021-22। तो इन दोनों में ही आपको किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 192 की, जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ सैलरी पर। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर टीडीएस रेट्स जो है, वो अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिक कोई रेट नहीं दी गई है आपको। एम्प्लॉय वाइज उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट करनी होगी एम्प्लॉयर के द्वारा, और उस पर जो भी स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स आता है उसको 12 मंथ्स में डिवाइड किया जाता है, और एवरेज मंथली जो टीडीएस आता है वो डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो यहाँ पर स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर मैं बात करूँ असेसमेंट ईयर 2020-21 की, तो अगर मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करूँ, जो कि 60 ईयर्स से बिलो एज है जिसकी, तो वहाँ पर 250,000 रुपये तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। 250,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक यहाँ पर 5% का टैक्स होता है। 5,00,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये तक यहाँ पर 20% का टैक्स होता है, और मोर देन 10,00,000 रुपीज़ यहाँ पर 30% का टैक्स होता है। तो ये टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और उसको इंक्रीज करना है 4% से, जो कि आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और जो आपकी टैक्स अमाउंट आ जाती है इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसको आप डिवाइड करेंगे बाय 12 मंथ्स, यह आपका एवरेज मंथली टीडीएस आ जाएगा जो एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किया जाना है। अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 2021-22 की, तो यहां पर बेसिकली दो ऑप्शन दे दिए गए हैं बजट 2020 के जरिए। जो पहला ऑप्शन है उसमें ओल्ड टैक्स रेट्स यही रहेंगी जो मैंने अभी आपको बताई है, और न्यू टैक्स रेट्स बताई गई हैं जिसमें बेसिकली 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% की स्लैब्स दी गई है। तो यहाँ पर आप देखना होगा कि एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को इंटीमेट किया जाएगा कि वह कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगा, वह कौन सी टैक्सेशन स्कीम में जाएगा, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम या फिर न्यू टैक्सेशन स्कीम, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाएगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा बाय द 12 मंथ्स, और उसके अकॉर्डिंगली टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन 192A की, जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एम्प्लॉय जो होता है उसका प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता है, और एम्प्लॉयर के द्वारा उस फंड में कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है, और उन दोनों ही कंट्रीब्यूशंस पर इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय को, और वह एम्प्लॉय को जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। लेकिन अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे में वो जो प्रोविडेंट फंड पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया सेक्शन 192A में, जब भी किसी एम्प्लॉय को पेमेंट की जाएगी उसके प्रोविडेंट फंड बैलेंस की, और वह जो पेमेंट है उसमें से कुछ पोर्शन
इम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है तो ऐसे में उस पर 10% का TDS डिडक्ट किया जाएगा इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और सेम रेट 2020-21 में एप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पर मोनेट्री लिमिट दी गई थी 50,000 रुपये की, अगर यह जो पेमेंट है वह 50,000 रुपये से कम है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और प्रोविडेंट फंड से जो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ कंडीशंस हैं जहां पर वो पैसा आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आपकी जो सर्विस है उसको 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, आप 5 साल से पहले ही वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे में जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है तो उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 194A जो कि बात करता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है तो ऐसे में उस पर TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 5,000, 40,000 और 50,000, ये 3 लिमिट हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए किसी बैंक के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो बैंक इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसकी जो लिमिट है वो 40,000 रुपये तक की लिमिट है। दैट मीन्स 40,000 रुपये तक का इंटरेस्ट अगर आपको दिया जाता है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ऐसे में यह लिमिट 50,000 रुपये हो जाती है। 50,000 रुपये तक आपको जो पेमेंट है वो विदाउट TDS होगी, उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। उसके अलावा बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए लिमिट है 5,000 रुपये की। तो यहाँ पर इन तीनों ही लिमिट से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको 10% का TDS डिडक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। उसके बाद सेक्शन 194B के तहत अगर आप इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, अगर कोई भी लॉटरी जीतते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स जीतते हैं, कोई कार्ड गेम जीतते हैं या कोई भी गेम शो आप जीतते हैं तो ऐसे में जो भी आपको पेमेंट करेगा वह व्यक्ति उस पर 30% का TDS डिडक्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 10,000 रुपये तक की लिमिट है। दैट मीन्स अगर जो आपको प्राइज मिल रहा है वो 10,000 रुपये तक का है तो ऐसे में उस पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 194BB जो कि बात करता है इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो अगर आपने हॉर्स रेस जीती है और आपको जो प्राइज मिल रहा है, जो आपको इनाम दिया जा रहा है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में उस पर 30% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और 30% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। यहाँ पर 10,000 रुपये तक की लिमिट है। दैट मीन्स अगर प्राइज 10,000 रुपये तक है तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको प्राइज मिलता है तो ऐसे में 30% का TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 194C जो कि बात करता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पर 2 लिमिट्स हैं बेसिकली। अगर आपको जो सिंगल पेमेंट की गई है वो 30,000 रुपये से ज़्यादा है और अगर आपको जो पेमेंट की गई है वो पूरे साल भर में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 194C के तहत। अब यहाँ पर देखना होगा कि जिसको पेमेंट की जा रही है अगर वो एक इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ऐसे में 1% TDS डिडक्ट होगा और अगर वो अदर देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स है, दैट मीन्स कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है तो ऐसे में 2% का यहाँ पर TDS डिडक्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 दोनों में ही सेम रेट ऑफ TDS है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपको ध्यान रखना है अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है और एनुअल पेमेंट जो साल भर में पूरी पेमेंट है वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 194D जिसमें बात की जाती है अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन दिया जाता है तो ऐसे में जो भी आपको पेमेंट कर रहा है वो 5% का यहाँ पर TDS डिडक्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और 5% का TDS डिडक्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। अगर यह कमीशन 15,000 रुपये तक है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 194G के तहत कमीशन
जो सेल ऑफ लॉटरी टिकट एक्सेट्रा पर दिया जाता है वो अगर 15,000 रुपये तक है तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो यहाँ पर 5% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, और 5% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। उसके बाद सेक्शन 194H के तहत जो आपको कमीशन दिया गया है या फिर ब्रोकरेज दी गई है, और वो है अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, अदर देन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, तो वहाँ पर भी सेम 15,000 रुपये तक कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, 5% का TDS डिडक्ट होगा 15,000 रुपये से ऊपर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर 5% और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर 5% का TDS डिडक्ट होगा। यहाँ पर लिमिट दी गई है 15,000 रुपये की, तो अगर मान लीजिए आपको 16,000 रुपये की पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में उस पर 5% का TDS डिडक्ट किया जाएगा 800 रुपये। उसके बाद सेक्शन 194I के तहत रेंट अगर आपको पे किया जा रहा है तो ऐसे में 240,000 रुपये तक की छूट है, 240,000 रुपये तक का रेंट आप बिना किसी TDS को डिडक्ट किए दे सकते हैं, लेकिन अगर 240,000 रुपये से ज़्यादा की आप पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको TDS डिडक्ट करना होगा। कितना TDS डिडक्ट करना है यह डिपेंड करेगा कि वो जो रेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया जा रहा है या फिर लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर या फिटिंग्स के लिए दिया जा रहा है। अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया जा रहा है तो यहाँ पर 2% का TDS डिडक्ट होगा, और अगर लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग के लिए दिया जा रहा है तो 10% का TDS डिडक्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 दोनों में ही सेम रेट है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद सेक्शन 194IA जो कि बात करता है अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो 50,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में बायर को 1% का TDS डिडक्ट करना होता है। तो पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो 1% का यहाँ पर TDS डिडक्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 में सेम रेट है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद सेक्शन 194IB के तहत पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट, तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो रेंट की पेमेंट कर रही है और उनको टैक्स ऑडिट कराने की लायबिलिटी नहीं है, और जो पेमेंट की जा रही है रेंट की वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर 5% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, और 5% का TDS डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मॉनेटरी लिमिट यहाँ पर बताई गई, रेंट फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ एक्सीड्स ₹50,000, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2017। उसके बाद सेक्शन 194IC लाया गया था जिसके तहत कहा गया था कि अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको 10% का TDS डिडक्ट करना होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लैंड ओनर है, उसके पास लैंड है और दूसरा व्यक्ति उस पर आकर कंस्ट्रक्शन करता है, तो ऐसे में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत जो भी पेमेंट की जाती है उस पर 10% का TDS डिडक्ट किया जाता है। 2019 और 20 और 2020 और 21 दोनों में ही सेम रेट ऑफ TDS है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 194J की, जहां पर बदलाव किया गया है, पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और रॉयल्टी। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए, प्रोफेशनल फीस के लिए, रॉयल्टी एक्सेट्रा के लिए, तो यहां पर 30,000 रुपये पर एनम, एनुअली 30,000 रुपये तक की लिमिट दी गई है। 30,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको TDS डिडक्ट करना होता है। कितना TDS डिडक्ट करना है तो यहाँ पर बताया गया कि टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो TDS डिडक्ट होगा वो होगा 10%, 10%। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो यहां पर 2% का TDS डिडक्ट होगा। 1/4/2020 से यह बदलाव किया जा रहा है। टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का TDS डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मान लीजिए कोई लिफ्ट है उसकी AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में पहले कन्फ्यूजन रहता था कि 10% का TDS डिडक्ट किया जाए अंडर सेक्शन 194J या फिर 1% का TDS डिडक्ट किया जाए अंडर सेक्शन 194C। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन खत्म कर दिया गया है, अब आपको 2% का TDS डिडक्ट करना होगा। उसके बाद अगर टेक्निकल सर्विसेज के अलावा अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 194J, दैट इज प्रोफेशनल फीस की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले भी यह 10% था 2019-20 में
और अभी भी यह 10% ही है 2019-2020-21 में। आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज के लिए यहाँ पर 2% किया गया है, अदर देन टेक्निकल सर्विसेज आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो सेम रेट ऑफ DDS दैट इज 10% पर डिडक्ट होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of June 2017 द रेट ऑफ TDS वुड बी 2% इन केस ऑफ पेई इंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। जून 2017 के बाद एक बदलाव किया गया था कि अगर आप जो कॉल सेंटर के जो ऑपरेशंस हैं वो उसके बिजनेस में है तो ऐसे में आपका 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194LA जो कि बात करता है अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन में एक्वायरमेंट में है और उसका कंपनसेशन आपको मिल रहा है तो ऐसे में 2,50,000 रुपये पर NM से ज़्यादा का कंपनसेशन अगर दिया जाता है तो उस पर 10% का TDS डिडक्ट होगा 2019-20 में और 2020-21 में। कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन। तो जो भी व्यक्ति जिनको सेक्शन 194H के तहत, जी के तहत, सी के तहत और 194J के तहत, इनके तहत TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो 50,00,000 रुपए से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में अगर वो पेमेंट कमीशन के लिए की जा रही है, ब्रोकरेज के लिए की जा रही है, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल फीस के लिए की जा रही है, कोई प्रोफेशनल फीस के लिए की जा रही है तो ऐसे में 5% का यहाँ पर TDS डिडक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF जिसको टैक्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको सेक्शन 194C, 194H और 194J के तहत TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर सेक्शन 194M के तहत उनको TDS डिडक्ट करना होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019। और यह TDS डिडक्ट करना होगा अगर जो पेमेंट की जा रही है वो 50,00,000 रुपए से ज़्यादा है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनको अपना रेजिडेंशियल हाउस बनाना है जिसमें वो रहना चाहते हैं, पर्सनल एक्सपेंस है उनका और इसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और उसके साथ 60,00,000 रुपीज़ का एग्रीमेंट किया। अगर ये 60,00,000 रुपीज़ उनको पेमेंट की जाती है एक साल के अंदर ही इन ए फाइनेंशियल ईयर तो ऐसे में यहाँ पर 5% का TDS डिडक्ट करना होगा मिस्टर एक्स को। उसके बाद सेक्शन 194N जो कि बात करता है अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे 1,00,00,000 रुपए से ज़्यादा तो ऐसे में 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा। कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1,00,00,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय ए पर्सन विद ए बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ए पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं उन सब का मिलाकर अगर 1,00,00,000 रुपए से ज़्यादा का आपका कैश विड्रॉल है तो ऐसे में 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। दोनों ही ईयर्स में सेम रेट ऑफ TDS है, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ एक अकाउंटेंट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, यहाँ पर जो मेनली एक तो सैलरी में सबसे बड़ा बदलाव है, सैलरी में अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि किस रेट ऑफ टैक्स से एम्प्लॉई अपना टैक्स डिडक्ट कराना चाहता है, दैट मीन्स वो ओल्ड स्कीम में जाना चाहता है या फिर न्यू स्कीम में जाना चाहता है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा उस स्कीम के तहत और उसके अकॉर्डिंग उसकी टैक्स कैलकुलेशन की जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली उसका TDS डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा बदलाव किया गया है मेजरली सेक्शन 194J में, जहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर कोई पेमेंट की जाती है वहाँ पर 2% का TDS डिडक्ट होगा, अदरवाइज जो पेमेंट की जाती है सेक्शन 194J के तहत उस पर 10% के अकॉर्डिंगली ही TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो TDS रेट्स थी जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एप्लीकेबल होंगी। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारी।